अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आपका अपना मिलंदी का आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको समर्स के लिए आपसे कुछ टिप्स देंगे कि शीशे को ठंडा करके कैसे पीते हैं, क्या तरीके होते हैं, आज हम आपसे वो शेयर करेंगे। बहुत से भाई के कमेंट आते हैं कि समर के लिए आपसे फ्लेवर्स बताएंगे, शीशा ठंडा करने का तरीका बताएंगे, आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको टिप दूंगा कि आप अपना शीशे के अंदर ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं, तो उससे भी मैंने आसान एक चीज़ निकाली है कि आप अपना पूरा शीशा जो है ना वो आप फ्रिज के अंदर रख दें। और आपको भी मैं दिखाता भी हूँ कि फ्रिज के अंदर किस तरह रखते हैं, आइए दिखाते हैं। ये 2 घंटे हो गए मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, ये देखें ये कैसे फ्रीज हो चुका है, एकदम ठंडा हो गया एकदम। 2 घंटे इसको मैंने तकरीबन रखा है। पाइप बस चिलम नहीं रखनी है आपने, रोड रखा है, पाइप रखा है और ये मैंने बेस रखी है खाली। इसके अंदर अभी हम ठंडा पानी डालेंगे, ये देखें। आपने वीडियो में देखा कि मैंने 2 घंटे शीशे को फ्रिज के अंदर रखा, आपने बेस के अंदर पानी नहीं डालनी है, आपने बिल्कुल खाली बेस अंदर रखनी है। अगर पानी के साथ आप रखेंगे तो वो उसके अंदर बर्फ़ बन जाएगी, तो उसको पिघलने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपने पानी नहीं डालना। आपने जब 2 घंटे उसको ठंडा करने के लिए रख लेंगे उसके बाद निकाल के आपने पानी डालना है। और बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि समर के लिए कोई अच्छा फ्लेवर बताएं। समर के लिहाज से आइस मिंथोल बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ठंडा फ्लेवर है। और अगर आप 5 मिनट पीते हैं तो आप मिंट थोड़ा सा बिल्कुल डालें, पान थोड़ा ज़्यादा समर में डालें क्योंकि वो ठंडा होता है, तो आपको पीने में ठंडक भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। बहुत से भाई बेस में बर्फ़ भी डालते हैं, प्लेट पे बर्फ़ रख लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 शीशे हैं तो आप दोनों फ्रिज में रख लें, एक यूज़ कर लें, एक उसके बाद यूज़ कर लें, फिर उसको फ्रिज के अंदर रख लें, इस तरह आप उसको आप ठंडा रख सकते हैं। समर के लिए आप अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं तो आइस मिंथोल नंबर 1 पे बहुत अच्छा है, ठंडा फ्लेवर है। उसके बाद पान बहुत अच्छा, खाली पान पिए जो पान पीने के आदमी हैं उनके लिए समर में बहुत अच्छा है। मिंट थोड़ा सा डाल दें, आप पान डाल दें उस लिहाज से बहुत अच्छा है। उसके अलावा खाली मिंथोल मिलता है, वो मिंट के साथ मिक्स करके पिए वो बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा के ठंडी बेस कैसे तैयार करते हैं। आप बेस को ठंडा कर लें जिस तरह आपको मैंने फ्रिज में तरीका बताया, और उसके साथ आपने थोड़ी सी बर्फ़ डाल देनी है, एक आपने नींबू डाल देना लेमन, और थोड़ा सा पुदीना डाल देना, उससे भी बहुत ठंडक आती है, ठंडा बेस बन जाती है, ठंडा शीशा तैयार हो जाता है। और ऊपर आप खाली पान की छिलक लगाएं तो यह आपकी ठंडी बेस तैयार हो जाएगी। मिंट डाल लें थोड़ा सा पुदीना, और साथ आपने थोड़ा सा लेमन डाल लेना, मिंट फ्लेवर नहीं जो असल में मिंट होता है आपने वो डालना है बीच में। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो समर के ऊपर के समर में शीशा कैसे ठंडा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई मौका लेना है या कोई भी फ्लेवर लेना है तो मैंने इंस्टाग्राम पर लिंक दिया।